जिला परिषद ऊना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भाजपा का कब्जा हो गया है। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर रायपुर जहोड़ा वार्ड से विजेता भाजपा समर्थित नीलम कुमारी को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर कुटलैहर के मोमनियार जिला परिषद वार्ड से विजेता कृष्ण पाल शर्मा को बनाया गया है। सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार हाल में पहुंचे थे। भाजपा समर्थित सभी जिला परिषद सदस्य राज्य छठे वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सती संघ यहां पहुंचे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के गठन में कांग्रेस समर्थित सदस्य अनुपस्थित रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्मान में राज्य छठे वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सती सहित कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सतपाल सती ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास अहम लक्ष्य होगा। आज के इस चुनाव में कुल 12 सदस्य पहुंचे थे, जिनमें 9 बीजेपी समर्थित और 3 आजाद उम्मीदवार शामिल थे। वहीं जिला परिषद के चेयरमैन बनी नीलम कुमारी ने इस नई जिम्मेवारी के लिए सभी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास रहेगा। और मेरे सभी साथी, जिला परिषद के सभी मेंबर्स, सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी उन वोटर्स का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करूंगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। आज जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में 12 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। उन 12 सदस्यों में से नीलम कुमारी उन्हें चेयरमैन बनाया गया है और वाइस चेयरमैन कृष्णपाल जी को बनाया गया है। उसी हिसाब से बाकी सभी सदस्यों ने उनका समर्थन किया है। जितने 12 सदस्य आए थे, मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो उन सब लोगों ने इस चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाया है और चुनाव सम्पन्न हो गया। अब सभी लोग इकट्ठे होकर के पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठ करके लोगों के विकास का काम करें और जिला में अच्छा काम हो, यही इन लोगों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इन लोगों को चुन करके भेजा। और आगे जो जिला परिषद अच्छी चले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। ये जिला परिषद एक अच्छा इतिहास बनाए, 5 वर्षों में सभी मिल करके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, पार्टी की सीमाओं से उठ करके सब लोग काम करेंगे, ऐसा सब लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये था कि आपने पहले भी अपील की थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, लेकिन आज कांग्रेस समर्थित जो सदस्य थे अनुपस्थित रहे, कुछ कहेंगे? कांग्रेस के लोगों का अपना डिसीजन था कि वो नहीं आ पाए, क्योंकि पार्टी की कई बार अपनी अपनी योजना रहती है। लेकिन 12 लोग आज थे, कोरम आज पूरा हो गया था, तो आज चुनाव सम्पन्न हो गया, वो भी आएंगे, वो भी सदस्य हैं, वो सम्माननीय सदस्य हैं इस सदन के, तो उन लोगों का भी उतना ही मान सम्मान होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं हमारी हो सकती हैं, लेकिन अंदर हम सब लोग एक हैं, तो उसके नाते मुझे लगता है कि आज उनकी अपनी स्ट्रेटजी रही होगी कि आज चुनाव ना संपन्न हो, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट्स 3 लोगों ने कोरम पूरा किया है, मैं उन 3 इंडिपेंडेंट्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आकर के लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया है। क्योंकि जितनी जल्दी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे, उतनी जल्दी इनकी मीटिंग्स होंगी, उतनी जल्दी आने वाले प्रोजेक्ट्स पे ये काम करेंगे। तो आज ये काम संपन्न हो गया है, इसलिए 12 के 12 सदस्य बहुत ही सम्माननीय है, उन्होंने इसमें समर्थन दिया है और आज चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।